अच्छा बाबूजी, हम गायिका ऋतुराज अपने बनारस सारनाथ की माटी से एक बिरहा आप लोगों के बीच में, हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे बड़े भैया ओपी जी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा। आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। आशा की ना विश्वास बटे कि आप लोगों के पसंद आई। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भूमिका के अंदर भाव लिखलन, हमार दावा है बड़ी बिरहा आप लोग सुन ले हुई है महाभारत से, लेकिन आप लोगन के बीच में जब भी नितुराज आवेली तो कुछ न कुछ नया लेके आवेली। कोई गजल बदल दे, कोई धुन बदल दे, लेकिन नितुराज बिरहा बदलने का काम करती है, और वो देन है हमारे कवि सियाराम यादव जी की। चलिए बाबा, कहना है फिर एक नई बिरहा महाभारत से, एक नई खोज। आवा कोई मरना न चाहे जहां में कभी, जबकि निश्चित है दुनिया से सबको है जाना। खौफ है मौत का सबके दिल में बसा, लंबी आयु का वरदान मांगे ये जमाना। गम हजारों है मंजूर मौत नहीं, कोढ़ी मांगे गली दल गली मानी दाना। अरे घोर ज्ञानी जो सुखदेव मुनि की कहानी, सिया राम लिखते है अद्भुत फसाना। महाभारत से वीर अभिमन्यु जेकर बेटवा रहल राजा परीक्षित, वीर धनुर्धर अर्जुन का पोता राजा परीक्षित कई कहानी है। गौर करेंगे बाबूजी, भूमिका में बड़ी अच्छी बात कवि जी लिखलन, ए दुनिया में एक कोढ़ी के भी अगर मौत कह देवल जाए कि काल तुहार मौत है, तो आजे चिंता कई के मर जाए। वाह, मरना तो एक दिन सभी को है। आइए बिरहा कैसन है हम बताई बाप लोगन के। एक लाइन यहाँ गजल है बाबा, कवन गजल है? हाय हाय हाय, कौनो लड़का कहत ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, 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 ऐसा पहली हमको 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 किसी से है प्यार हुआ है, हमको किसी से है प्यार हुआ है, हमको किसी से हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। छोड़ दाई तो गीत गजल के भाव अजय के, जहां सटावत बने सटा ले, क्यों के अल्लाह से प्यार है, क्यों के राम से, क्यों के श्याम से, ये तो जहां सटाएंगे सट जाएगा, लेकिन आइए दुलाइन भाव का
है। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है जौन कवि जी लिखत हुवन का। जो आया अरे जो आया एक दिन जाएगा, जो आया एक दिन जाएगा। जो आया एक दिन जाएगा, एक दिन जाएगा, एक दिन जाएगा। जो आया एक दिन जाएगा, नाम अमर नाम अमर बस रह जाएगा। है बाबूजी, जो आया एक दिन जाएगा, नाम अमर बस रह जाएगा। तो जब जाए के है तो कुछ ऐसा काम कह के जा कि गईले के बाद भी लोग याद करें। क्या कहना है, यहीं से कहानी शुरू है बाबा। उतरायो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, लगा था श्राप सातवे दिन मौत थी निश्चित। भैसे भागीरथी में एक मचान पे रहते, सुखदेव महामुनि वही पाठ पे पढ़ते। उदास का भी राजा छठा दिन है जब बीता, देखे महामुनि तो उनको हो गई चिंता। रोने लगे महाराज तो ये देख कर व्यथा, सुनाए महामुनि उनको आखिरी कथा। आजा भैया तनी से बात के समझ नहीं बाबूजी। बतौली की राजा परीक्षित का कहानी है। राजा परीक्षित के श्राप लग गए कि आज से ठीक सातवें दिन तुहार मौत है, तू मर जीबा, जाओ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, आज से सातवें दिन तुम मर जाओगे। एकरे पीछे कहानी लंबी है लेकिन यही से हम आप लोगों के बताओ थी। राजा परीक्षित जब जान गए ना कि आज से सातवें दिन हम मर जाब, तो चिंता हो गई। राजमहल छोड़ करके जाए के गंगा में मचान डालो, वही मचान पर रह लगल। अब वही मचान पर तो सुखदेव मुनि को बुलाए, वही बोलवौल न बोलाए कि वही जकन सुखदेव मुनि से कहलन कि अब तो सातवें दिन मर जाए के बड़ी चिंता। तो कहलन का आदेश है, कहलन कि है आदेश निवेदन है कि हमके भागवत कथा सुना दा। सुखदेव मुनि भागवत कथा बाचे लगलन। एक दिन बीतल, दो दिन बीतल, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, छठवां दिन जब सुखदेव मुनि भागवत कथा बाछे लगलन, राजा परीक्षित फफक के रोवे लगलन। सुखदेव मुनि भागवत कथा बंद कर दिए और ज्यो बंद करत हुन त्यो पूछ बैठलन कि बतावा परीक्षित रोवत काहे हुआ। कलन रोवे के बात करत हुआ, अरे काल हमें मर जाए के तू कथवा रोवत काहे हुआ, काल हमें मर जा रोई ना तो का करी हंसी। कलन की मरे के ते एक दिन सबके है राजा, अब मरले से इतना डर है। कलन की अरे महाराज ये कवन बात कर दो। कलन की भागवत कथा हम आपके न सुनाई, एक कहानी हम आपके सुनाओती राजा, एक कहानी के परीक्षित तनी ध्यान से सुने। अब सुखदेव मुनि जवन कहानियां राजा परीक्षित के सुनावत हुन वह कनियां कहानियां नीतू राज आपके बिरहवा में सुनावे चलती। तर्ज लगल बाबा, कवन तर्ज हो रहलू। आई कवन दाना
चक्की का आटा तो के वो भी खिया देना की मोटा गई लो। कहत बा लड़का का कहवन विटामिन खा ले दिने पर दिन चिकन हाले पर कमर हाथी तरजुई के पाला रे डोले धीरे धीरे एको ऊपर डोले एको डोले पाला रे डोले धीरे धीरे एको ऊपर डोले एको डोले पाला रे डोले धीरे धीरे। लेकिन बिरहा में कवि जी लिखत हुवन का परिचित ज्ञानी सुना बचवा का कहानी सुना परिचित ज्ञानी सुना बचवा कहानी सुना परिचित ज्ञानी सुना बचवा कहानी सुना परिचित ज्ञानी सुना बचवा का कहानी सुना त एगो राजा रहला माना मोरा बतिया ए बेटा धीरे धीरे कैल जंगल भइल राजमहल से गईल राज्य में अपने शिकार करें आ शिकार करत करत घनघोर जंगल में कब अंदर पहुंच गईल पता ना चलल। आ जब वापसी करे लगल तो रात हो गई जंगल से रास्ता भटक गईलन और जब रास्ता भटक गईलन तो रात के जंगल में सोचे लगलन का सोचत हुवन करी तो का करिए जंगलवा में कहा रात बिताई बहरे रह जंगल में शेर बाघ खा जाइ। यह सोचते सोचते अगवा बढ़त हुवन तब तक एगो कुटिया और जब वो कुटिया पर राजा का नजर गई देखला कले हैं बस बस ऐसे बढ़िया रहे का रात बितावे के दूसरा स्थान हो ही ना सकत। राजा गई लो कुटिया में और जब वो कुटिया में जाए के देख तो भयल का यहाँ एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज है बाबा कवन तर्ज है बाबा के जोतवा के कुछ छिटवा दे कुछ उगबे करी ऐसा परती रही तो का मिली तब ले तो ट्रैक्टर वाला के देखलस तो कहले से ए ट्रैक्टर वाले तनी खेत जोत दा जोते लगल एके पसंद ना आयल ओकर काम त ई कहले से का कहले से अरे मीठा मीठा बोल के तू मुझको फसाया मीठा बोल के तू मुझको फसाया अब थार नहीं अंदर ले
बिरहा सुने वाले बाबूजी लोग गौर करेंगे। अरे कहे महाराज आज बनी जा सहारा, बिहान चली जाई ते बिहान चली जाई के राया जवन कहबा चुका है, बिहान चले जाए के राया जवन कहबा चुका है, बिहान चले जाए के राया जवन कहबा चुका है। राजा ओ कुटियावा में गइलन, ओ कुटिया पर एक जलजला सब बहुत ही एक अद्भुत व्यक्ति, एकदम करिया जट, एक कोना पकड़ के बैठल है। इतना गंदा वो कुटिया रहल कि राजा का नकुरा फटत बा, नकुरा मुनले हुआ फटत बा। राजा कलन की ओर हे कुटिया में कैसे गुजारा हुई, लेकिन फिर पीछे ताकत तो जंगल बा शेर खा जाई। राजा कल एकरे अलावा दूसर रास्ता हमरे पास ना ही बा। राजा वो कुटिया के मालिक कोल भील से हाथ जोड़ के कहलन, आज का रात एक कुटिया में हमके बिता लेवेदा, जवन कहबा तो के हम रुपया पैसा दे देब, हम बहुत बड़ा राजा हिला, जंगल का रास्ता भटक गलली सवेर होई तो चल जाम। तब ले उ जवाब देलस कुटिया के मालिक कोल भील, का जवाब देलस सुना, बोला है अधीर एक पाई नहीं लेबै, लेकिन तो हगे ये कुटिया में रह नहीं देवे, रह नहीं देवे, रह नहीं देवे, काहे अरे कर बस सवेरे तू लड़ाई, कर बस सवेरे तू लड़ाई के राया तो हमके ना चाहिए, मालिक कोल भील कलस के जवान चपड़ चपड़ आई के बतियावत हुआ, थक जा यहां से, एक कुटिया में हम तोके रहे ना दे, कलो काहे कलो जी आवला हूं एक कुटिया में रह जाला जाए का नाम ना लेला, कल एकदम बेवकूफ समझत हुए का हम राजा महाराजा खिला, ए कुटिया में तोरे नकुरा फटत बा एकदम रहना जात बा, कतवे की जी आवला कुटिया छोड़े का नाम ना लेला। कलस की हां, और रहल सवाल पैसा रुपया का लालच हम मत दा, हम पैसा उसा ना लेब, लेकिन कहलस एक लाइन तेरी लगावा, का कहत राजा से, बड़ी ऊंची बात कहलस, अरे मकानवा ना किराए पर दे, अरे मकानवा ना किराए पर दे, लगवा लड़े तू।